ऐसा चीज बोली है निकिता अंबोली ने कैमरे के आगे आगे कि शायद से कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा, कई लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो ऐसा क्या कहा बॉस के कैमरे के सामने आकर निकिता अंबोली ने, चलिए बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेड। पर आपको बता दूं यहाँ पर कि निकिता अंबोली और कश्मीरा शाह, अर्शी खान और राखी सावंत, इन चारों के बीच में डक वाला टास्क होता है। डक वाले टास्क में भाई कैप्टन से के जो पहला ग्रुप जाता है वो इन चारों का जाता है, जिसमें एली कोनी जो है वो दाना डालने वाले बनते हैं, यानी कि फीडिंग वाले बनते हैं। तो यहाँ पर संचालक रुबीना दिलैक होती है। अब इनके अनाउंसमेंट होती है नाम की, ये चारों के चारों जो होते हैं वो डक पूल के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प बात ये हो जाती है कि जब ये स्टार्ट होने वाला होता है और जब नाम आ जाते हैं, जब ये डक का वो राउंड वाला रिंग जो है वो पहन लेते हैं, इसके बाद में निकी दम्बोली जो है वो कैमरे के पास आके बोलती है कि क्या बिग बॉस आपने मतलब क्या किया है मेरे साथ में, मतलब आप मतलब कैसा समझते हो आप मुझे, मैं इन लोगों के साथ में अभी खेलूं, मैं इन लोगों के जितना नहीं गिर सकती, मैं इन लोगों की जैसी नहीं हूँ, मैं इन लोगों की जितनी घटिया नहीं हूँ, आप भी ना बिग बॉस पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, बिग बॉस मैं इनके साथ में नहीं खेल सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन जो है बिग बॉस को देती हुई नजर आई है निकी दम्बोली। खैर, अब देखो कौन किसके स्तर तक गिर सकता है, कौन किसके स्तर से ऊपर जा सकता है, ये डिपेंड करता है सामने वाले के खेलने पर और सामने वाले की जुबान पर। ये मैं कह सकती हूँ कि निकी दम्बोली जो भी करती है वो उस चीज पर जिद से अड़कर करती है, जिसमें कई बार वो अब्यूजिंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर देती है, लेकिन जिस तरीके से अर्शी खान ने किया है वो वैसे नहीं करती है। अब इसमें आप लोगों की राय क्या है, क्या आप लोगों को भी यही सेम चीज लगती है जो निकिता अंबोली ने बिग बॉस के कैमरे पर जाकर फोकस कर कर बोली है, या फिर आप लोगों को लगता है कि ठीक है भैया यही ग्रुप जो था निकिता अंबोली के लिए बेटर था। वेल, जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल देगा आपको हर वक्त की खबर टाइम पर।